हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का उपमा, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और ये कम समय में बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन या सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, तो सूजी का उपमा कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा कप सूजी, जिसे मैंने छान करके तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये मैंने 3 चम्मच चने की दाल ली है, इसे मैंने रात में पानी में भिगो कर रखा था। तो ये देखिए बिल्कुल फूल करके तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं, 4 से 5 करी पत्ता लिया है, 2 चम्मच हरा धनिया लिया है, साफ पानी से धो लिया और बारीक काट करके तैयार कर लिया है। आधा छोटी चम्मच नमक लिया है, यह स्वाद के अनुसार ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है और 2 चुटकी हींग ली है, इस तरह से ये देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया है, 3 हरी मिर्च ली है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, आधा मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, उपमा बनाना शुरू कर देते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब इसमें मैंने ये कढ़ाई रख दी है, तो इसको हम गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है। इसको मैं सूजी को फ्राई करूंगी, अनकेयर की भून करके तैयार करूंगी सूजी को। तो 1 चम्मच घी और डालूंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी यूज किया है सूजी को भूनने के लिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं सूजी को डाल देती हूँ और सूजी को मैं अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भून करके तैयार करूंगी। तो हमें फ्रेंड्स लगातार सूजी को चलाते रहना है, ताकि सूजी हमारी जो लगे नहीं कढ़ाई में। इस तरह से गैस का फ्लेम मीडियम रख ले करना है हमें, इस तरीके से। ये देखिए सूजी हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हम इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, इस तरीके से कढ़ाई में से निकाल लिया। तो अब इसमें हम देसी घी और डाल देंगे उपमा बनाने के लिए। घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें हींग और जीरा डालूंगी। और ये प्याज और हरी मिर्च डाल दूंगी, करी पत्ता डाल दूंगी। अब इसको हम चलाते हैं और ये हल्दी पाउडर डाल देती हूँ मैं। ये चने की दाल डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से चने की दाल को भी हम इस घी में थोड़ा सा पका लेंगे। 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। 1 मिनट हो गई है, हमने दाल को 1 मिनट तक घी में फ्राई किया है। तो अब ये दाल हमारी अच्छे से तैयार होकर के तैयार है, तो इसमें हम सूजी डाल देते हैं और ये मूंगफली के दाने डाल देते हैं। ये मूंगफली के दाने मैंने पहले से ही भून करके रखे थे फ्रेंड्स, तो इसे भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसलिए मैंने तो मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। आप चाहे तो थोड़ी राई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करी पत्ता और फिर ये फिर जीरा हींग जीरे का इस्तेमाल किया है इसमें। तो आप जैसा आपको अवेलेबल लगे आप उसी तरीके से डाल सकते हैं। राई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है उपमा में। तो ये नमक डाल देती हूँ मैं। अब फ्रेंड्स मैं पानी डाली हूँ, ये देखिए 1 गिलास पानी लिया है मैंने। तो मैं पानी डाल रही हूँ, हमें जल्दी से लगातार चलाते रहना है इसको, तरीके से हमें इसको चलाते रहना है ताकि इसमें घुसली ना पड़े। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी यूज किया है। तो ये धीरे धीरे सूजी हमारी टाइट होने चली है फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये देखिए उपमा हमारा बनने वाला है, तो हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे लगातार। ये देखिए सूजी हमारी बिल्कुल टाइट हो गई है और ये उपमा भी बिल्कुल बन गया है। तो इस तरह से हमें आधा मिनट और इसको पकाना है, सूजी को बिल्कुल टाइट होना, टाइट होने तक इसको ऐसे लगातार चलाते रहना है कलछी की सहायता से।
इस तरीके से ये देखिए उपमा हमारा बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं सूजी में हमारी बिल्कुल टाइट हो गई है, तो ये उपमा हमारा जल्दी बन करके तैयार भी हो गया है। तो दोस्तों इसमें हम ये हरा धनिया मिक्स कर देते हैं अब, और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उपमा हमारा बन करके तैयार है। सूजी का उपमा मैंने कढ़ाई में से ठंडा होने के बाद निकाल लिया है और इस बाउल में कर लिया फ्रेंड्स। तो दोस्तों देख सकते हैं आप उपमा हमारा बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है, और ये कम समय में बनने वाली रेसिपी है। तो आप इसे अपने बच्चों के लिए या फिर सुबह के नाश्ते में जरूर बनाइएगा। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।